कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी की बनारस में रैली को कथनी और करनी का अंतर बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने इसे गंगा मां से धोखा करने और बनारस की धरोहर को खराब करने का आरोप लगाया है। नायक ने कहा कि शोरगुल में असली सवाल खत्म हो गए हैं। असली सवाल बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट पर काम नहीं हुआ। इस मसले पर हमारी संवाददाता प्रीत किरण ने कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक से की विशेष बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में रोड शो किया और जनता से वोट की अपील की। वाराणसी के लोग ये कह रहे हैं कि मोदी रहर अभी भी कहीं ना कहीं बाकी है। इस मुद्दे पे बात करने के लिए मेरे साथ रागिनी नायक हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, उनसे बात करते हैं। आपकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं प्रधानमंत्री वाराणसी में जरूर रहे, काम नहीं किया, ऐसे आरोप आप लगा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो बनारस को क्या कहा था उन्होंने कि मैं वाराणसी को क्योटो बनाऊंगा, स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। और स्मार्ट सिटी के नाम पर हम देख रहे हैं कि बनारस में किस तरीके से गंदगी फैली हुई है घाटों में। आप विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, वहाँ ही धूल का अंबार लगा हुआ है। अगर आप विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना चाहें, आप ये भी देखिए कि किस तरह से नमामि गंगे की बात की। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि गंगा को साफ करने में अभी 200 साल लग जाएंगे, इतनी धीमी गति से काम हो रहा है। जो बजट आवंटित किया था उसका 9% भी खर्च नहीं कर पाए। ये तक कहा जा रहा है कि आचमन के लिए तक गंगा, जो ये कहा जाता था कि छूने से पाप धो देती हैं, उनके आचमन ना किया जाए, पानी इतना खराब है। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त मोदी जी ने जो कहा और किया उसके बीच की खाई बहुत ज़्यादा प्रत्यक्ष हो गई है। और कहीं ना कहीं ये ढोल नगाड़ों का शोर शराबा इसलिए किया जा रहा है कि असली सवाल पीछे छुप जाएं, जनता जो परेशान होकर शोर मचा रही है उसकी आवाज़ दब जाए। यहाँ तक कि विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए 300 मकानों के साथ साथ जो लोग अपने आप को हिंदू धर्म के ठेकेदार घोषित करते हैं, उन्होंने देवी देवताओं के मंदिर तक तोड़ डाले, बनारस की सांस्कृतिक धरोहर पर हमला किया। तो आज नरेंद्र मोदी जी अपने खोखले दावों को और वादों को छुपाने के लिए ये तमाशा कर रहे हैं। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि मोदी सरकार को नतीजों से ज़्यादा नज़ारों पर विश्वास है। आपको नहीं लगता है जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने वाराणसी में लड़ने की इच्छा जताई थी, वहाँ पे कांग्रेस को उतारना चाहिए था उनको एज ए कैंडिडेट, अभी जिस तरीके से अजय राय को उतारा है, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है, पिछली बार भी उन्होंने बहुत मतलब जो है लास्ट पोजिशन पर रहे, ऐसे में उनको दोबारा उतारना? देखिए, मैं समझती हूँ हर चुनाव में संभावनाएं बदल जाती हैं, राजनीति नई संभावनाओं का खेल है। और अजय राय जी के नेतृत्व पर कांग्रेस पार्टी को उतना ही विश्वास है जितना अपने संगठन पर विश्वास है। दोनों मिलकर बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे। और प्रियंका गांधी जी के कंधे पर बहुत उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से की जिम्मेदारी है। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि उनके नेतृत्व का, उनके व्यक्तित्व का प्रभाव उत्तर प्रदेश में, देश में पड़े। वो बहुत सारी सीटें जिताएंगी, केवल एक सीट तक ही हम उन्हें सीमित करके क्यों रखें? तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, चर्चा ये थी कि प्रियंका गांधी वहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन खारिज हो गया। कांग्रेस पार्टी खुद ने यह स्वीकार किया कि उनको केवल और केवल प्रदेश के प्रभारी की जिम्मेदारी ही दी जाए। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ प्रीत किरण सिंह, A1 TV, दिल्ली।